और जो राजस्व व्यय है वो 39,129 करोड़। और ये भी बात ठीक है कि बीते वर्ष का जो हमारा जो घाटा जो अनुमानित है लगभग 4% के लगभग ये है जीएसडीपी का 7,272 का करोड़ का। अभी हमने इसमें सबसे जो मेन जो फोकस दिया है आप लोगों ने देखा कि हमने जो सेक्टर ऐसा है जहां बहुत काम करने की आवश्यकता है, देश आगे बढ़ा है, प्रदेश भी आगे बढ़ा है, आजादी के 70 सालों के बाद भी जो सेक्टर ऐसे रह जाते हैं हमारे जहां अभी तक गरीबी है, जहां काम करने की ज्यादा आवश्यकता है, उस सेक्टर को फोकस किया है जिसमें गरीब है, अनुसूचित जाति के परिवार है। और उसमें आए दिन हम देखते हैं कि अभी भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी, जहां मेरा ये मानना है कि पूरे देश भर में हम कह सकते हैं इसको कि हमारे हिमाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति घर के बिना नहीं है। घर छोटा है, टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी घर है। सड़क फुटपाथ पर कोई आदमी हिमाचल का नहीं है, लेकिन फिर भी ये आवश्यक है जब इतनी प्रगति के राह पर सारी दुनिया आगे बढ़ी है, क्वालिटी हाउस सबके घर में होना चाहिए, अच्छा घर हो। उस दृष्टि से हमने इस पर फोकस किया है। जहां पिछले सालों में हमारा हाउसिंग सेक्टर में जो हम जो हाउसिंग में जो स्कीम्स के अंतर्गत जो मकान देते थे वो नंबर लगभग 5,000 के लगभग था, अभी अब की बार हमने उस पर डबल किया है, 10,000 किया है। ये हमारा ये है। दूसरा सेक्टर हमारा क्वालिटी एजुकेशन पर हमने फोकस किया है, क्वालिटी एजुकेशन पर ये दूसरा सेक्टर है जिसको मुझे लगता है कि एक्सपेंशन हमारा काफी हुआ, लेकिन एक्सपेंशन के साथ अब फोकस करने की आवश्यकता जो है ज्यादा वो हमारी क्वालिटी पर ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा है। ये हमारी कोशिश है कि एजुकेशन में जो हमने नई स्कीम जो लाई है उसके माध्यम से ये सारा इस बार का बजट में कुछ रिफ्लेक्शन आपके सामने जो आई है उसको आपने देखा होगा। तीसरा जो है कनेक्टिविटी रूरल एरियाज के लिए, ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। ये हिमाचल प्रदेश की 3226 पंचायतों में लगभग 80 पंचायतें ऐसी बचती हैं जहां जो है पंचायतों को अभी सड़क की कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं है, और सही मायने में तो 39 है नंबर शायद ये, और 39 पंचायतों को हमने टारगेट किया है, उसमें कुछ FCA की और कुछ दूसरी इस तरह की रही है, कुछ लैंड की जो वो फॉर्मेलिटीज रहती है जो वहां पर गांव वाले लोग देते हैं, भूमिदान करते हैं, तो उसके प्रक्रिया को हमने कहा कि उसको जल्दी पूरा करें ताकि हम 100% पंचायतों को कनेक्टिविटी देने में कामयाब हो। और इस बार जो मैंने ये कहा कि इस बार का हमारा थीम जो है सारा फोकस है इस बार का कि हमारा पूर्ण राजत्व का जो है 50 वर्ष गोल्डन जुबली या स्टेटहुड का जो है, इसलिए बहुत सारी योजना की शुरुआत हमने इस नाम से भी की इस पर। और उसमें ये भी हमने टारगेट रखा कि हम कोशिश करेंगे कि इस साल के अंत तक अधिकांश पंचायतों को हम कनेक्टिविटी दे सके। हमारा टारगेट तो ये है कि हम सभी पंचायतों को जोड़ें, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये लैंड की अवेलेबिलिटी, फॉरेस्ट क्लियरेंस और उसके साथ साथ में जो लैंड जो है हमने एक्वायर करनी होती है गाँव वालों से, जिसकी फॉर्मेलिटी में थोड़ा वक्त लगता है। तीसरा जो है बच्चों के कुपोषण को खत्म करने की दृष्टि से, ये भी एक ज्यादा हमने फोकस करके अपनी बार अपने बजट में जो है वो काम करने की कोशिश की। एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट, ये सेक्टर जो है हमारे जो है वो डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
और हमारा एक टारगेट तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, उस दृष्टि से भी हमने फोकस करके हमने उसमें जो योजना पीछे जो चली हुई थी उन योजनाओं को फर्दर और स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, उनको मजबूत करने की कोशिश की है और कुछ योजना हमने नई दिशा में शुरू की है। दूसरे जो मैं कनेक्टिविटी के सिलसिले में कह रहा था, बाई रोड कनेक्टिविटी रूरल एरियाज के लिए और उसके साथ साथ में अब हिमाचल प्रदेश में हमारे जो है अच्छी क्वालिटी रोड्स बने, उस दृष्टि से जो फोर लेन के काम कर रहे हैं उनको एक्सपेडाइट करें, सज्जित करें, टूरिस्ट डेस्टिनेशन चाहे वो शिमला है हमारा चाहे मनाली है, इनके लिए जो भी फोर लेन के काम चले हैं उनको तेज गति से आगे बढ़ाएं। और उसी के साथ साथ में जो जिसका मैंने बजट में तो जिक्र नहीं है, हमने टेकअप किया है जो हमारे 69 जो इन प्रिंसिपल सैंक्शन जो है नेशनल हाईवेज है उसमें से हमने मोटे तौर पर 25 के लिए हमने आग्रह किया कि उसकी जिनकी डीपीआर 55 की डीपीआर 69 में से 55 की डीपीआर बनकर के तैयार हो गई है, तो ऐसे में 25 का नेशनल हाईवे जो है हमारे जो इन प्रिंसिपल सैंक्शन है उसकी लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू हो जाए और उसका फिर काम शुरू हम करने की परिस्थिति हो प्रथम चरण में, ये हम एक प्रयास कर रहे हैं। इसी के आगे बढ़ते हुए जो एयरपोर्ट हमारे पास अवेलेबल 3 है, शिमला है, कुल्लू है, कांगड़ा है। कुल्लू में हमारे लिए कठिनाई है कि ब्यास नदी के दोनों छोर में उसमें कठिनाई आ रही है एक्सपेंशन का, लेकिन जहां हमको गुंजाइश दिखी है वहां हम आगे बढ़े। शिमला एयरपोर्ट में थोड़ी सी गुंजाइश निकली है और उस गुंजाइश को भी हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका तो हमारा टारगेट यह है कि 2021 के लास्ट तक जो है उसको पूरा कर सके और थोड़ा एयरपोर्ट जो है और अच्छी कंडीशन में हो जाए ताकि यहाँ कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो और भी यहाँ फ्लाइट आने शुरू हो जाए। उसी तरह से गगल एयरपोर्ट के लिए जो है वो हमने तय किया है कि वो 3100 मीटर से आगे उसकी जो है वो एयर स्ट्रिप बने, उसकी पूरा बड़ा जो है वाइड बॉडी एरोप्लेन वहां पर लैंड करे और लोड पेनल्टी के बिना करे, उस दृष्टि से हमने कोशिश की है। हमें इस बात से सहमत हैं कि वहाँ लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है और पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा है उसमें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए भी हमने विचार किया है। और उसी तरह से